What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोगों ने start किया था chapter number 1, जिसपे हम basic accounting के बारे में discussion कर रहे थे. आज chapter को खत्म करते हैं और upcoming week से मैं आप लोगों का business studies and economics भी start करने वाला हूँ और physical education भी. तो बहुत ही मजा आने वाला है. Stay tuned. सारी चीजें complete करके चलेंगे. आज chapter 1 को करते हैं समाप्त. चलिए let's begin. तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमें आज समझना है वो है द टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. कितने तरीके की फील्ड्स हो सकती है अकाउंटिंग में, यानी जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हो वो कौन कौन से अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. तो सबसे पहली आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम फाइनेंस की बात करते हैं. जो आप पूरे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में यही है. तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट? द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन पता करना. तो जो पहला अकाउंटिंग होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. दूसरा कौन सा होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग. दूसरा आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग. जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे आने वाला कॉस्ट, खर्चा कितना आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी. वेरिएबल होती है जो चेंज होती है, फिक्स्ड होती है जो फिक्स रहती है ना. अलग अलग तरीके के खर्चे उसमें आप एस्टिमेट करते हो, तो उस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग. पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट. तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में. यानी जब हमारे मैनेजमेंट के सामने फिगर्स, अलग अलग वैल्यूज प्रेजेंट करी जाए और हमारा मैनेजमेंट उन वैल्यूज, फिगर्स, डेटा की हेल्प से डिसीजंस ले पाए कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, बिजनेस सेटअप करना है या नहीं करना है, एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, ग्रोथ कैसी हो रही है, वो सब चेक करने के लिए हमारे पास जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द मेन पर्पस इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी अकाउंटिंग इस तरीके से हो जिसमें आप टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हो. यानी आप इस तरीके से अपना प्रॉफिट या लॉस एस्टिमेट करो जिसमें आप गवर्नमेंट को दिखा पाओ कि देखो हमने इतना कमाया है और हम अपना टैक्स ऑन टाइम बिल्कुल सही तरीके से पे कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो. तो क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज फॉर टैक्स पर्पजेज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग. इनकम टैक्स एंड GST आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग. लास्ट क्या आता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये बोलती है कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो जितने भी रिसोर्सेज यूज करता है वो सब सोसाइटी के हैं, तो सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता. तो जब भी आप अकाउंटिंग करो तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द सोसाइटी, कि सोशल वर्क आप कितना कर रहे हो, डोनेशंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो सब इसका पार्ट हो जाता है. द सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट. हेंस बिजनेस ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. और जो अकाउंटिंग इसका हिसाब किताब रखेगी उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलेंगे. वेरी सिंपल. तो हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, टैक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये होती हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? इसके बाद वी हैव द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. यूजर्स का मतलब होता है बच्चे ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. तो देखो, सबसे पहले अगर मेरा बिजनेस है तो मैं ही जानना चाहूँगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है. मैं ही जानना चाहूँगा मेरा बिजनेस कितना अच्छे से ऑपरेट कर रहा है. तो सबसे पहला यूज़र तो मैं ही हूँगा. अब मैं खुद बिजनेस चलाता हूँ तो मैं एक इंटरनल यूज़र हूँ, ठीक है? इंटरनल यूज़र कौन होते हैं अकाउंटिंग के? जो बिजनेस के अंदर का ही पार्ट है या बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं ऑनर्स और मैनेजमेंट. ऑनर्स मतलब मालिक लोग, मैनेजमेंट में वो लोग होंगे जो उसको अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे पास से. और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, जिसका हमने कल भी डिस्कशन किया था, जैसे हमारा बैंक कई बार हमारी बुक्स चेक करता है, हमारा क्रेडिटर, हमारे डेटर्स. डेटर्स क्रेडिटर्स कौन होते हैं? डेटर होते हैं हमारे पास जिनसे जिनसे हमने पैसा लेना है, और क्रेडिटर होते हैं जिनको पैसा देना है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको लोन चुकाना है ना. बैंक लोन तभी देगा जब आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी, जब आपकी बुक स्ट्रांग होगी. बैंक चेक करेगा आप क्रेडिबल भी हो, आप ट्रस्टवर्दी भी हो, आप इतना कमाते भी होगे, आप लोन चुका दोगे. तो ये सब भी चेक किया जाता है. तो कौन कौन यूजर्स होते हैं? इंटरनल यूजर्स, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में.
इंटरनल यूजर्स आर दोज पर्संस हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जैसे ओनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट जरूर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? एक्सटर्नल में आप एम्प्लॉयज़ ले सकते हो, बैंकर ले सकते हो, क्रेडिटर ले सकते हो, ये सब, इन्वेस्टर ले सकते हो, सब आपके कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। देखो, वापस से वही क्वेश्चन बार बार, सब फीचर्स में से बनेगा। नंबर वन, अकाउंट्स आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में, आपका बिजनेस अच्छे से मैनेज होगा। क्यों? आप अच्छी प्लानिंग कर पाओगे अकाउंट्स देख के, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे चीज़ें ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जब आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट में आपके रिजल्ट्स लिखे होंगे कि आपने कैसा परफॉर्म करा है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस स्टेटमेंट की हेल्प से आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग हेल्प अस इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हर चीज़ का कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है, वही पॉइंट। तीसरा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो और उसका क्या रीज़न है, क्यों प्रॉफिट में हो क्यों लॉस में हो। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन, अकाउंट्स आपको सारी जानकारी देता है अबाउट योर फाइनेंशियल पोजिशन, यानी वेल्थ, नेट, आपका नेट वर्थ कितना है, आपकी बैलेंस शीट, उसके बारे में जानकारी देता है। इट अनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी, आप 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितना कमाया है, आपकी ग्रोथ कितनी है। आप 2 साल के बैलेंस शीट देख के बता सकते हो कि आपकी वेल्थ कैसी है, आपने वेल्थ एक्यूमुलेट करी है या नहीं करी है। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से ये चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कंपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को। ये देखो कितनी तेज बाइक चलाते हैं भाई, बच्चे डरते भी नहीं हैं आजकल के, सब धूम 3 धूम 4 धूम 5 बनेंगे इनके ऊपर। तो क्या होता है हमारे पास, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब देखो टैक्स जो हमने इनकम टैक्स भरना है वो हमारी इनकम के हिसाब से ही भरना है ना बेटा जी, जीएसटी भरना है तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसमें भी हमारी अकाउंटिंग हेल्प करता है। एक एक दो दो लाइन का आप ये एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और 3 से 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो कोई भी। नेक्स्ट आता है बच्चे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्लीज आप सावधान इंडिया मार्क कर लेना। सावधान इंडिया सवाल लिमिटेशंस पूछ लेता है कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस बताओ, अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं। तो नंबर वन क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ये बोल रहा है कि अकाउंट्स जो है पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, ऑल दो अभी फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ पता नहीं है अकाउंटिंग के बारे में, बट ये ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक काउंट करना है, तो स्टॉक की काउंटिंग करने के ना मल्टीपल मेथड्स हैं अकाउंटिंग में। कोई बोलता है ये मेथड अच्छा है, कोई बोलता है ये मेथड अच्छा है, कोई बोलता है ये मेथड अच्छा है, तो हर इंसान अपने हिसाब से मेथड यूज करता है। तो इसके अंदर ना पर्सनल जजमेंट हो जाता है, किसी के लिए एक बढ़िया, किसी के लिए दूसरा बढ़िया, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो समटाइम हम ये बोलते हैं कि अकाउंटिंग का सबसे पहला लिमिटेशन ही ये है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लोगों के पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और सब अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। तो दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, कहीं सही होगा कहीं सही नहीं होगा, हर जगह तो हर इंसान सही नहीं हो सकता ना, कभी ठीक होगा कभी ठीक नहीं होगा। नंबर टू, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, दूसरा बोल रहा है कि जितने भी अकाउंटिंग है वो सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड हैं जो बहुत पुराने समय से बने हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम में बने हैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। लेकिन आजकल का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अलग है, आजकल लोगों का काम करने का तरीका बहुत अलग है, और वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस अभी इतने मॉडिफाई नहीं हुए हैं, वो पुराने हिसाब से ही चल रहे हैं। मतलब आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वो अभी भी पुराने हिसाब किताब से पढ़ रहे हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते, रिजल्ट्स सही नहीं दिखाती हमारी अकाउंटिंग। लिखा हुआ है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन डिस्क्लोज मे नॉट बी रियलिस्टिक समटाइम्स। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। इनकम्प्लीट क्यों देता है? क्योंकि आपको जानकारी सिर्फ 1 साल की दे रहा है। आपको एक्चुअली तो तब पता चलेगा जब बिजनेस बंद होगा, आप तो हर साल बना रहे हो ना, और बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ते भी हो जो रिकॉर्ड नहीं करते, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, मॉनिटरी नेचर की नहीं है, तो वो चीज़ें आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ये बोलता है अधूरी जानकारी है, ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तो लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, वही जो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट की
ऑनर के साथ लड़ाई हो गई या इम्प्लॉइज की ऑनर के साथ लड़ाई हो गई या इम्प्लॉइज की आपस में लड़ाई हो गई, बिजनेस पे तो इम्पैक्ट डालेगा लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो मनी की टर्म्स में एस्टिमेटेड नहीं होता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये जो बेसिकली अकाउंटिंग होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है। आप कोई भी एसेट खरीदोगे, अगर आपने 10 साल पहले खरीदा है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड हुई होगी, आज तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी ना, तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, लेकिन अकाउंटिंग होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो ट्रू पोजिशन नहीं पता चलती, पुरानी कॉस्ट ही लिखी रहती है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चे मैनिपुलेशंस। हमारी जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर लोग काफ़ी मैनिपुलेशंस करते हैं। आप लोगों ने कई सारी न्यूज़ भी पढ़े होंगे कि इनकी अडानी की बुक्स में गड़बड़ निकली या किसी भी बड़ी कंपनी की बुक्स में गड़बड़ निकली, बायजूस की बुक्स में गड़बड़ निकली, तो बहुत सारी ऐसी आप लोगों ने सुना होगा जिसके अंदर अलग अलग ये लिखा गया है कि रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं अलग अलग कि उनकी बुक्स रियलिस्टिक नहीं निकली, तो वहाँ पे मैनिपुलेशंस हुई होती हैं। तो अकाउंटिंग इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस पॉसिबल है। उसके बाद अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, इसका मतलब आप सिर्फ अकाउंट्स को देख के प्लानिंग मत करो, आप थोड़े से रियलिस्टिक बनो, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग अच्छे से लो। सिर्फ अकाउंट्स देख के ब्लाइंडली डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड थिंग, ये यहाँ पे बोल रहा है। कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है जी हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स में अकाउंटिंग कैसे होने चाहिए या एक अच्छी अकाउंटिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताया गया है। नंबर वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि आप उस पर भरोसा कर पाओ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो विच इज़ रिलायबल, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ, जिस पे आप भरोसा कर पाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो सावधान इंडिया मार्क कर लेना। रिलायबिलिटी मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप जो भी लिखो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब रिलायबिलिटी इंप्लाइज दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल। आप जो भी लिखो वो वेरीफाई हो पाए। रेलेवेंस, रेलेवेंस का क्या मतलब होता है? रेलेवेंस का मतलब होता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन लिखो जो रेलेवेंट है, जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। रेलेवेंट होनी चाहिए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो रिलायबल हो, रेलेवेंट हो। तीसरा अंडरस्टैंडेबल हो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब कि सामने वाला समझ पाए। अकाउंट्स आपकी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ईजी वे में बनी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सामने वाला जो भी पढ़े उसको आराम से अंडरस्टैंड कर पाए, उसके लिए प्रॉब्लम ना आए, ये इसमें आ जाता है। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी आप जब भी अकाउंटिंग बनाओ तो 2 साल की एक साथ में रखो, यानी अगर आप 2023 की बना रहे हो तो 22 की भी आपके साथ में ही होनी चाहिए। अकाउंट्स शुड बी कंपेरेबल, तभी तो आपको पता लगेगा आप कैसा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो या खराब काम कर रहे हो। तो योर अकाउंट्स ऑलवेज शुड बी कंपेरेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? फेथफुल प्रेजेंटेशन। व्हाट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन? फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब कि जो आपके अकाउंट्स हैं इट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। आपकी जो अकाउंट्स है वो एक ट्रू और फेयर पिक्चर शो करना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ना हो। ऑल्दो होता है, इसीलिए वो एक लिमिटेशन में आया था, लेकिन ये एक अच्छी अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक इंसान ऐसा अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंसानों में कमियां भी होती हैं या नहीं होती हैं, तो वही बोल रहा है। अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? फेथफुल प्रेजेंटेशन। द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजिशन, कैश फ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब सही प्रॉफिट्स बताना, फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब सही नेटवर्थ बताना, कैश फ्लोज का मतलब कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो ऑफ कैश है, वो सब ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन। अंतिम सवाल बेटा जी, इसके साथ हमारा चैप्टर होगा समाप्त। अकाउंट्स क्या क्या रोल प्ले करती है हमारी, हमारी जो अकाउंटिंग है क्या क्या रोल प्ले करती है? नंबर वन, रोल ऑफ अ लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बिजनेस है उसकी लैंग्वेज है, आप अकाउंटिंग देख के समझ सकते हो बिजनेस अच्छा है या खराब है, है ना। दूसरा, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आपके सारे रिकॉर्ड्स पिछले सालों के इसके अंदर लिखे होते हैं, तो इंसान भूल सकता है लेकिन अकाउंटिंग नहीं भूलता, तो ये प्ले करता है एक रोल ऑफ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग एक रोल प्ले करता है जिसमें आप नेट प्रॉफिट असर्टेन कर सकते हो वेरी इजीली कि प्रॉफिट है या नहीं है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अपनी नेट वर्थ आप अकाउंटिंग की हेल्प से देख सकते हो। नेक्स्ट, द रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम।
आपको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सब भी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि ये आपको सारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, क्वांटिटी की टर्म में, अमाउंट्स की टर्म में, तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो रोल बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए बस एक रीड ओनली क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक एक बारी, बस रीडिंग लगा लेना, एंड दैट इज सफिशिएंट, वेरी वेरी सिंपल। तो देखो, रोल ऑफ लैंग्वेज, इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड होता है, नेट प्रॉफिट, डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजिशन, सब वही सारी चीजें। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, हमारा चैप्टर होता है समाप्त। बहुत ही आसान सा चैप्टर था और मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे और साथ साथ आपने चीज़ें समझी भी होंगी। अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर नंबर 2, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खूब मज़ा आएगा, खूब अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स तक शेयर करना और पढ़ते रहना। All the very best.